दोस्तों जब हम गाड़ियों में दमदार पावर और सॉलिड लुक की बात करते हैं तो महिंद्रा थार का नाम सबसे पहले आता है, जो कि पहाड़ जैसी ऊंचाइयों पर चढ़कर लोगों के दिल पर राज कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा थार के सारे गुप्त राज को खोलते हैं और इसी के साथ ये भी देखेंगे कि आखिर महिंद्रा थार को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिससे कि आपका नॉलेज महिंद्रा थार के प्रति काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं महिंद्रा थार मेकिंग प्रोसेस की। दोस्तों महिंद्रा थार अपने सॉलिड लुक और अपने दमदार पावर की वजह से किसी भी रोड पर चल सकता है, चाहे वो पानी हो, कीचड़ हो या फिर पहाड़ हो। इसके इसी दमदार पावर की वजह से लोगों में इसका क्रेज बढ़ते जा रहा है और लोग इसे खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसकी खासियत क्या है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की चादरों से इसके बॉडी फ्रेम को बनाया जाता है। इसके बाद वर्कर्स इसके बॉडी को इसके साइड पैनल से वेल्डिंग करके जोड़ते हैं और इसके बाद फाइनली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार होता है और फिर इसको भेजा जाता है पेंट बूथ में, जहाँ पर महिंद्रा थार को एकदम अच्छे तरीके से रोबोट के द्वारा पेंट किया जाता है और वहाँ से निकलने के बाद इसके पेंट की क्वालिटी चेक की जाती है और फिर पेंट क्वालिटी चेक हो जाने के बाद इसके सभी पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। और अब बारी आती है इसके डैशबोर्ड फिटिंग की, जहाँ पर हैंडल, स्पीडोमीटर और कार एम्पलीफायर को फिट किया जाता है और फिर एक स्टील प्लेट को मशीन में डालकर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लेस और डेट को लिखा जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये गाड़ी कहाँ पर बनी है और इस गाड़ी का मॉडल कौन सा है। और फिर इसके बाद इसके अंदर धूप और बारिश से बचने के लिए इसके हार्ड टॉप को लगाया जाता है और फिर इसके बाद इस पे सभी नाम को चिपका कर उसके आउटर कवर को रिमूव कर दिया जाता है और फिर इसके बाद ग्लास पैनल को ग्लू लगाकर थार में फिक्स कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद बारी आती है इसके चेसिस पर इंजन असेंबल करने की, जो कि मशीन और कुछ वर्कर्स की मदद से इसको भी कर लिया जाता है और फिर इसको स्टार्ट करके इसको चेक किया जाता है और फिर पेंट क्वालिटी को चेक करके इसे धुल दिया जाता है। और लो भाई, हमारी चमचमाती हुई थार बनकर रेडी हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।